दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत दिन से हमने कोई उठपटांग सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है जो कि आज करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको हम दिखाए थे कि साबुन को उबालने पर क्या होता है। वो वीडियो बहुत ही कमाल की था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि साबुन को उबालने पर क्या होता है। तो आज हम लोग कुछ हट के करने वाले हैं, ये रहा शैम्पू। आज हम लोग शैम्पू को उबालने वाले हैं और देखते हैं कि शैम्पू को उबालने पर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखते हैं कि शैम्पू को उबालने पर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। ये रहा बर्तन, ये रहा गैस टंकी और ये शैम्पू को अब एक एक करके पहले इस बर्तन में निकालते हैं, पहले निकालते हैं उसके बाद इसमें इस टैंक गैस को जलाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो दोस्तों इतना सारा शैम्पू काफ़ी हो जाएगा, इतना काफ़ी है। अब आराम से गैस को जलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हमारा गैस ऑन हो चुका है और अब ये उबलना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा देर बाद इसमें पानी डालेंगे, पहले देखते हैं इसी तरह से ये कैसे उबलता है। तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब कुछ देर तक और इसे छोड़ देते हैं।
दोस्तों, अभी आपने देखा कि जब हम शैम्पू को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ उसे दबाकर वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि साबुन या शैम्पू झाग क्यों देता है? साबुन या शैम्पू किस केमिकल की वजह से झाग देता है, किस केमिकल की वजह से फॉर्म बनाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। और हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को फिर से नमस्कार। वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।